अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीजा शाह है और मैं PFFB पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप सेशन 24 की एक मेंबर हूँ। हमारे सेशन में एरोबिक डेली का एक मस्ट पार्ट होती थी, इसलिए आज मैं एरोबिक्स के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। एरोबिक्स बेसिकली है क्या? एरोबिक्स इज एन एक्सरसाइज दैट इम्प्रूव्स द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हमारी बॉडी एनवायरमेंट से जो ऑक्सीजन लेती है और उसको ग्लूकोज या बॉडी फैट साथ मिलकर जो एनर्जी में कन्वर्ट करके बॉडी की फंक्शनिंग में काम देती है, तो उसको ये इफिशियंट बनाती है, उसको इम्प्रूव करती है और हमारी बॉडी की ओवरऑल जो ऑक्सीजन इनटेक मैकेनिज्म है या जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग है उसको बेहतर बनाती है। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी हेल्थ बेनिफिट्स पे। तो एरोबिक्स के हेल्थ बेनिफिट्स क्या है? ये आपका डिप्रेशन कम करती है और आपके मूड को चेंज करती है, यानी आपको खुश करती है और आपका मूड अच्छा हो जाता है, ऐसे आप फ्रेश फील करते हैं। या आप जो लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं, बोर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा लेजीनेस होती है आपके अंदर, आप एरोबिक्स जब स्टार्ट करते हैं इसको आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं, सो यू फील अ वेरी प्रोमिनेंट चेंज इन योर मूड। इसके बाद ये आपके कोलेस्ट्रॉल को ठीक करती है, ये आपका गुड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करती है और बैड कोलेस्ट्रॉल को ये लो करती है। इसके अलावा हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और क्रॉनिक डिजीजेज यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज को भी ये प्रिवेंट करती है। क्रॉनिक डिजीजेज यानी कि जैसे कि जो हेल्थ रिस्क होते हैं हमारे, ओबेसिटी हो गई, डिप्रेशन, डायबिटीज़ या इस तरह की कोई भी डिजीजेज, उनको ये फाइट करती है, यानी कि इससे आपको बचाती है। आप जब नॉर्मली एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी जब आपकी डेली रूटीन में शामिल होगी, तो आपको ना कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स होंगे, डायबिटीज़ भी नहीं होगी और ओबेसिटी तो ऑब्वियसली फिर नहीं होगी। दूसरी बात, ये आपके वेट मेंटेन करने में हेल्प करती है, जो वेट लॉस करना चाहते हैं वेट लॉस में भी हेल्प देती है, और जो लोग वेट मेंटेन करना चाहते हैं वो लोग भी एरोबिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपका स्टेमिना बिल्डअप करती है, आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है, आपका एंड्योरेंस ज़्यादा होती है और साथ ही साथ ये आपकी इम्यूनिटी भी ज़्यादा करती है, आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है। कौन लोग एरोबिक्स कर सकते हैं? हर कोई एरोबिक्स कर सकता है, डजेंट मैटर कि आप एथलीट हैं, आप घर में बैठे हुए हैं, आप कोई स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी है वो एरोबिक कर सकते हैं। इसमें आपको किसी एरोबिक्स की ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको किसी टूल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, आपको किसी स्पेशल जगह की ज़रूरत नहीं होती, आप अपने घर में ही जहाँ बैठे हुए काम कर रहे हैं, आप फ़ोन देख रहे हैं, थोड़ी देर 5-10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद आप खड़े हो और आप कोई भी एक्सरसाइजेस वहाँ आराम से कर सकते हैं खड़े होकर। और फिर शुरू में तो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है एक्सरसाइज, आप शुरू में थोड़ा सा थकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको कंसिस्टेंटली करते रहते हैं तो एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद उसके और रिजल्ट्स होते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि आपके अंदर स्टेमिना बिल्डअप करती है, तो इसी तरह फिर आप ये करते करते थकते नहीं हैं और आपको इसमें मज़ा आने लगता है। जब आपको काम फिर जब आपको इसमें मज़ा आने लगता है तो आपको ऑब्वियसली फिर आप मूड अपना चेंज फील करते हैं। आप इसमें कोई भी एक्सरसाइजेज जो बिगिनर हैं वो 3-4 मिनट की वॉक से शुरू कर सकते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वॉक की अपनी स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं, स्पीड ज़्यादा करने के साथ फिर आहिस्ता 2-3 हफ्ते बाद वो अपने वॉक का टाइम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह फिर जब उनको थोड़ी सी बहुत वॉक की आदत हो जाए या फिर उसके बाद जब वो आदी हो जाए एक्सरसाइज रूटीन के, तो बीच में वो फिर और एक्सरसाइजेस इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें ओवरऑल दूसरी जो फिजिकल एक्टिविटी है, जैसे कि आपकी जंपिंग जैक्स हो गई, साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, स्किपिंग रोप हो गई, या और भी जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसमें हेल्थ बेनिफिट्स भी इसके बहुत अच्छे होते हैं और आपको मूड भी अपना अच्छा फील होता है। सो आई डेफिनेटली रिकमेंड इंक्लूडिंग एरोबिक्स इन योर डेली रूटीन। अल्लाह हाफिज़।